देखो मैंने सोच लिया है, आज के बाद लोगों को बोलूंगा ही नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो ही इतनी अच्छी होती है, लोग वैसे ही कर देते हैं। अबे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की तो बात ही छोड़, तेरी वीडियो देख लेते हैं, इतना ही बहुत है तेरे लिए। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था भाई। और एक बात और, जी भाई। अपनी खुद की कभी वीडियो देखना, डिसलाइक करने का मन ना करे तो मेरा नाम बदला देना। अबे काम की बात ज्यादा किया कर और बकवास कम, सुना? तो दोस्तों कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा आपके डिवाइस का कलर कौन सा है। तो यार बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर देंगे। दोस्तों फाइनली यार Redmi Note 10 Pro एंड Pro Max के लिए एक नई अपडेट यहां पर रिलीज की गई है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका वर्जन नंबर है MIUI 13.0.4.0, आप देख सकते हैं। फरवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल है, यहां पर आप देख लीजिए, और यहां पर आपको मिलता है Android 12। तो ये जो है वो सेकेंड अपडेट Redmi Note 10 Pro Pro Max को देखने को मिली है, क्योंकि यार जो पहली अपडेट थी उसमें काफ़ी सारी लैग हमें देखने को मिली थी, डिवाइस जो है वो हीट भी थोड़ा बहुत होता था और कुछ बग्स जो थे उसमें थे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो नई अपडेट है ये सिर्फ 323 MB की अपडेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर MIUI 13.12 बेस। तो इसकी जो है फुल चेंज लॉग हमें देखने को मिली है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपडेट है अब फाइनल स्टेज पे है, बस थोड़ी बहुत इसकी टेस्टिंग होगी और इसका जो है वो रोल आउट हो जाएगा। आपके बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि यार अपडेट हमें इंडिया में कब तक मिलेगी, इसमें चार्जिंग एनिमेशन है या नहीं, और यहाँ पर जो है वो न्यू अरेज ऑप्शन है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पर लगा के, यार एक मिनट, तो यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। जी हाँ, आपको यहाँ पर जो है वो नया चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में अभी थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, तो ग्लोबल में भी डिफरेंट था, पर यहाँ पर जो है वो नया चार्जिंग एनिमेशन आ गया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। और यार यही नहीं, आपको मैं यहाँ पर, आपके काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, जी हाँ यहाँ पर अरेज ऑप्शन जो है आप ह्यूमन को रिमूव कर सकते हैं, अगर आपने कहीं पे पिक्चर ली है ऑल दैट, तो यहाँ पर आप जाते हैं तो रिमूव पीपल की भी ऑप्शन यहाँ पर आई है, आप देखेंगे तो आप इस बंदे को जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हमें से लड़कियाँ ही पसंद हैं, जो किया यार डोंट माइंड। तो आप इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर इसे जो है ऐसे किसी को भी रिमूव कर सकते हैं जो भी आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप इसे जो है वो सेव कर लीजिए, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का ये ऑप्शन है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है गैलरी ऐप का, तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये जो दोस्तों अपडेट है अभी अभी जो है वो ग्लोबल में आई है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नया कंट्रोल सेंटर जो है वो नहीं है, यहाँ पर पुराना ही चल रहा है, बस APK अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर जो है नया कंट्रोल सेंटर आ जाएगा, पर अभी के लिए फर्स्ट अपडेट में कोई भी नया कंट्रोल सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर में जाते हैं तो साइड बार ज़रूर देखने को मिलती है, साइड बार यहाँ पर है, तो कोई इशू जो है वो साइड बार में नहीं है, तो आप साइड बार का जो है वो लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड 12 है तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये वर्क करता है। सिक्योरिटी में दोस्तों वही कुछ है जो पहले था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो सवाल आता है कि यार ये अपडेट आपको कब तक मिलेगी? ग्लोबल में अगर आप हैं तो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो है वो अभी मी पायलट टेस्टिंग चल रही है, तो विद इन वीक अपडेट मिल जाएगी। पर इंडिया का जो शेड्यूल है वो मार्च के एंड तक है, तो इंडिया में यार ये अपडेट जो है किसी भी टाइम देखने को मिल सकती है, विद इन 1 week to 10 days। तो जब ग्लोबल में अपडेट आ जाती है तो इंडिया में भी देखने को मिलती है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए यार, ये जो अपडेट है बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल जाएगी। यार काफ़ी बेहतरीन अपडेट है, काफ़ी जो है यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट देखने को मिलेंगी, तो मेरे हिसाब से अच्छी अपडेट है। बस यार अब ज़्यादा देर नहीं है ये अपडेट की, तो बहुत ही जल्द यार अपडेट मिल जाएगी, बस थोड़ा सा धीरज रखिए। मार्च के एंड तक तो मिल ही जाएगी, पर जो इंडिया में टेस्टिंग है वो विद इन 1 week to 10 days स्टार्ट होने वाली है, कुछ इस प्रकार की न्यूज़ है, क्योंकि अब जो है सेकेंड अपडेट ग्लोबल में आ गई है। सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।